हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और पीछे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि शिव है, वो अपना कुछ क्राफ्ट बना रहा है, तो वो लगा हुआ है अपने काम में। हाँ, मैं बोल रही थी कि आपके साथ बहुत ही यूज़फुल जो वीडियो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो आज जो हर लेडीज़ है उसको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो आप थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे, ये जो साइड जिप वाले ब्लाउज होते हैं, तो इसमें बहुत सरल तरीके से हम जो जिप है कैसे लगाते हैं वो मैं आपको लगाना सिखाऊंगी। वो भी बिल्कुल सरल तरीके से, हर लेडीज़ बहुत आसान तरीके से साइड जिप लगा सकती है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आप मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए लेट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए इसमें हमें लगानी है साइड जिप। तो ब्लाउज को मैंने सबसे पहले कर लिया है उल्टा, और इसके जो भी पार्ट हैं सारे जुड़ चुके हैं। और अब जो साइड की फिटिंग है वो हमें लगानी है, लेकिन उससे पहले हमें जो मार्क हैं वो लगाने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लगा लिए हैं। जो भी आपकी फिटिंग है उसके हिसाब से आप मार्क लगा लीजिए। और जो हमारी सीधी साइड है उस पर हमें पूरी नीचे तक सिलाई करनी है। तो देखिए, पहले मैं जो सीधी साइड है वहाँ पूरे मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने ये सिलाई कर दी है। और आप इसमें फिटिंग अच्छे से नाप लेके कीजिएगा, क्योंकि बार बार खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए, एक मैंने सिलाई लगा ली है और दूसरी भी लगा ली है, और साइड से इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे, जिससे कि इसका कॉर्नर बाहर नहीं निकलेगा। अब जो दूसरी साइड है तो उसे इस तरीके से यहाँ मार्क लगाना है, जो हमारी आर्म होल है उससे लगभग 1.5 इंच नीचे तक हमें निशान लगाना है। और जो सिलाई है वो वहीं तक हमें लगानी है, और इसे पक्का करना है, यानी कि 2-3 बार यहाँ सिलाई लगा देनी है इस तरीके से, तो ये पक्का हो जाएगा। और पक्का होने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए जो ये निशान लगाया है हमने फिटिंग का, तो इसे हम दूसरी साइड में इस तरीके से मेन पार्ट पर लगा लेंगे, यानी कि उल्टा करते हुए इसे इस तरीके से लगा लेंगे। और जिप को लेना है हमें उल्टा, और इस तरीके से इस पर हमें रख देना है। देखिए, ये हमने इस पर रख दिया और हमें इस पर सिलाई लगा देनी है, तो आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। देखिए, बहुत सरल होता है इस तरीके से जिप में, सॉरी ब्लाउज में जिप लगाना, तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और जो लेडीज़ें घर में सिलाई करती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कि आप इस तरीके के साइड जिप वाले ब्लाउज बहुत सी लेडीज़ें मांगती हैं, आप बनाकर दीजिए, बहुत ही अच्छी इनकम होती है। तो देखिए, यहाँ जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमें इसको पक्का करना है, और फिर दूसरी साइड से जो जिप है उसे ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। देखिए, इस तरीके से यहाँ से हमें सिलाई लगानी है और नीचे तक हमें इसे लाना है। और मैंने इसे पिनअप कर लिया है, जिससे अच्छी फिटिंग आए, जो नीचे हमने जो निकाली है जिप इतनी दोनों में साइडों में बराबर आए। तो देखिए, यहाँ इस तरीके से हम फिटिंग का निशान लगाते हुए और सिलाई इस तरीके से हम कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ नीचे तक हम आ चुके हैं, और जो जिप है वो नीचे थोड़ी थोड़ी निकली रहनी चाहिए, क्योंकि इसे हमें फोल्ड करना है। देखिए, अभी मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, ये हमने स्टिच कर ली है, और अब हमें क्या करना है, ये चैन है जो, इसे नीचे की तरफ लाना है। तो आप इसे पुश करेंगे तो ये नीचे की तरफ बहुत आसानी से आ जाती है। देखिए, कितने आसानी से ये आ गई है दूसरी, और इसे देखिए हम नीचे तक पूरा इस तरीके से सेट कर देंगे। तो देखिए, कितने अच्छे से लग चुकी है, लेकिन अभी हमें इसमें फिनिशिंग देखनी है। और फिनिशिंग देने के लिए देखिए, ये जो निकली हुई है बाहर जिप, इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमें जो साइड में कपड़ा है इसे अंदर फोल्ड करना है। और इस पर अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई लगा लीजिए, अगर आप तुरपन करना चाहते हैं तो आप तुरपन कर दीजिए। और इसको इस तरीके से मैं क्या करूँगी, जो साइड में जिप है तो जिप का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसमें मैं इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ, और जो कपड़ा है वो जिप के नीचे मैंने इस तरीके से कर दिया है, जिससे कि मेरा कपड़ा भी अटैच हो जाएगा और जो मेरी जिप है वो भी अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगी। तो देखिए, अब हमें ऊपर की साइड इस तरीके से सिलते हुए लाना है इसे, और इस तरीके से ये हमको जहाँ हमने निशान लगाया था ऊपर, तो वहाँ से इसे सुई को नीचे करते हुए इस तरीके से हमें यहाँ 3-4 बार पक्का करना है, और फिर इसी तरीके से हमें नीचे लाना है इस कपड़े को अंदर करते हुए जिप के नीचे, और जो नीचे ये जिप निकली हुई है इसे अंदर करना है, और इस तरीके से हमें अच्छे से इसे नीचे तक सिलते हुए लाना है। तो देखिए, बहुत आसानी से ये लग जाती है। और फ्रेंड्स, देखिए जो हमारी जिप है बहुत आसानी से लग चुकी है, इसे लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और आप बहुत अच्छी देखिए
अच्छी तरीके से मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों को बेनिफिट हो सके। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी जो साइड जिप है वो लग चुकी है। तो देखिए मैं आप इस ब्लाउज़ को पहन के भी दिखाऊँगी आपको। सॉरी, देखिए बहुत आसानी से ये लग जाती है। और बहुत से लोगों को ये टेंशन होती है कि हमारी जिप साइड से खुल जाती, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिप का जो रनर है उसे ऊपर पुश कर देना है, जिससे कि वो खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप वो जिप लगा सकते हैं। तो चलिए इसे पहन के भी दिखाती हूँ। मेरी कुछ बहनें हैं जो मुझे कमेंट करती हैं कि दीदी अपने प्लीज़ ब्लाउज़ हमसे शेयर किया करें। तो कुछ इस तरीके का मैंने ये ब्लाउज़ बनाया हुआ है, और ये साइड जिप वाला है जिसमें मैंने अभी जिप लगाई थी। तो आप देख लीजिए इसका डिज़ाइन, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बनवा सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। तो फिर मिलूँगी मैं आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।